नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की प्रमुख खबरें। एनजीओ अवाम ने उठाए आम आदमी पार्टी की फंडिंग पर सवाल, कहा बोगस कंपनियों से लिया चंदा। आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली के एक स्वयंसेवी संगठन अवाम ने फंडिंग में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है। संगठन ने आम आदमी पार्टी को फंडिंग देने वाली कंपनियों पर भी सवाल उठाए हैं। अवाम के मुताबिक आपको बोगस कंपनियों ने 50 लाख रुपए तक के चंदे दिए हैं। इन कंपनियों के पते झुग्गियों में है। संगठन ने सवाल उठाया कि कमाई अगर जीरो है तो कंपनियां 50 लाख रुपए का चंदा कैसे दे सकती हैं। संगठन के मुताबिक 11 कंपनियों के निदेशक टूटे फूटे मकानों में रहते हैं। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमने सभी चंदा चेक के जरिए लिया है, सरकार चाहे तो जांच करा सकती है। रद्द हो सकती है अरविंद केजरीवाल की उम्मीदवारी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रमुख और नई दिल्ली सीट से आप उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल की उम्मीदवारी रद्द करने संबंधी याचिका पर केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। याचिका में उनकी उम्मीदवारी की वैधता को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची में केजरीवाल का नाम शामिल करने के खिलाफ निर्वाचन आयोग, CEO और 5 अन्य को भी नोटिस जारी किया है। कांग्रेस नेता किरण वालिया ने यह कहते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है कि आप प्रमुख ने अपना गलत पता दिया है। आम आदमी पार्टी राष्ट्र विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा। आरोप प्रत्यारोप के बीच भाजपा ने आज आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि वह राष्ट्र विरोधी है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भाजपा का एक भारत पर भरोसा है, साथ ही उसकी सोच सबका साथ सबका विकास की है, जबकि आपकी सोच राष्ट्र विरोधी है। उपद्रवी गोत्र के मुद्दे पर गोयल ने सफाई देते हुए कहा कि हमने विज्ञापन में जाति की बात नहीं की है, जबकि केजरीवाल ने उसे जाति विशेष से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि आप चुनाव को धर्म और जाति से जोड़ने की साजिश रच रही है। मई में चीन यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल 26 मई से पहले अपनी प्रथम चीन यात्रा करेंगे, जिसका लक्ष्य नतीजा हासिल करना होगा। सुषमा ने कई मुद्दों पर अपने चीनी समकक्ष के साथ वार्ता की और इस बात पर जोर दिया कि संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता एक आवश्यक शर्त है। विदेश मंत्री ने कहा कि भाजपा ने सरकार का एक साल पूरा करने से पहले प्रधानमंत्री यह यात्रा करेंगे। अपनी चीन यात्रा के दौरान सुषमा ने चीनी राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। क्लार्क के बिना विश्व कप नहीं जीत सकता ऑस्ट्रेलिया, शेन वॉर्न ने कहा। महान स्पिनर शेन वॉर्न का मानना है कि 4 बार का चैंपियन ऑस्ट्रेलिया माइकल क्लार्क के बिना क्रिकेट विश्व कप नहीं जीत सकता। वॉर्न ने स्काई स्पोर्ट्स से कहा कि मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया क्लार्क के बिना विश्व कप जीत सकता है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया 12 महीने पहले खराब स्थिति में था, लेकिन उनकी कप्तानी में उसने 5-0 से एशेज श्रृंखला जीती और दक्षिण अफ्रीका को उसकी ही धरती पर हराया। हम सभी क्लार्क की कप्तानी के मुरीद हैं और चाहते हैं कि पहले ही मैच से वे खेलें। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए www.webdunia.com। नमस्कार।